माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। सारे भाइयों ने राम राम, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू, लाइव जुड़ गया हूँ। हमने कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकी दें खबराना दिखावांगे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में थोड़ा मेरे गल जो हादसा हो गया था, कंटेनर था जंप लाया था, क्रैम्प आ गई थी, लेकिन 8 से 10 दिन का रेस्ट के बाद मैं फिर आ लिया हूँ। और फिलहाल राकेश टिकैत कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर गरजेंगे। उससे पहले जो उन माइक पर आवाज आने लग रही है मुख्य मंच पर है, तो उससे पहले जो किसान ने स्वागत की अद्भुत तैयारी करी है वह दिखाना चाहूँ मैं। तुम देखो मेरे पीछे पीछे घोड़े की फौज खड़ी करी गई है। राकेश टिकैत आगे उनका स्वागत खातर ये घोड़े मुख्य मंच तक लेके जाऊंगे। आगे आगे घोड़े चलेंगे, पीछे राकेश टिकैत चलेंगे, फिर वे मुख्य मंच पर तक गरजेंगे। क्योंकि कल ताजा ताजा प्रधानमंत्री बोले हैं राज्यसभा में, उसके उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी करने का मौका राकेश टिकैत चुके को नहीं। तो फिलहाल इस स्वागत पर आवेंगे राकेश टिकैत, 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो सारी तस्वीर मारे मतलब चैनल पर हम देखते रहोगे। फिलहाल मेरा जो ध्यान पड़ा जो मेन चीज है, आप देखो जो सफेद घोड़ा है उसके ऊपर एक ध्वज है भारतीय किसान यूनियन का। वो ध्वज अपने आप में उस बात का गवाह है। आपने मैं रामायण काल में लेकर चलूंगा, राम ने घोड़ा छोड़ा था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने घोड़ा छोड़ा था आसों में एक यज्ञ के लिए। भाई आजो, हिम्मत है, चुनौती दे दी, इस घोड़ा का फटका ला दिया। और भाई कोई महाराज उसने राज्य ने चुनौती देवे तो इस घोड़ा ने पकड़ने की हिम्मत दिखाओ। तो फिलहाल ये जो दृश्य है, यो दृश्य है रामायण काल का दृश्य है। ऊपर भारतीय किसान यूनियन का ध्वज है और किसान लोग हैं, भाई मामने चुनौती दे दी, आओ अशोक में यज्ञ में, और यू गोड़ा ने कोई रोक का तो रोक के दिखाओ। भारतीय किसान यूनियन का झंडा ऊपर है। पहले तो जितने भी दर्शक हमारे लाइव जुड़ रहे हैं शेयर कर दियो, और भाई शेयरिंग किसाना खातर मांगा है। पहले तो सारे के सारे जितने खड़े हैं, पर भाई घोड़े ने तकड़े पकड़ लियो मड़े, सारे के सारे मार्गदर्शक ने राम राम आ दो, टूटी टूटी आए दोबारा आन दो राम राम। जो बोले सो निहार। चलो फिलहाल मैं पूछूंगा किस तरह स्वागत की तैयारी करी गई है। भाई जी नाम अपना जी? गुरलाल सिंह जी। जी जी जी, आप देखो सीट लग रही है गुरलाल जी की, और गुंगथला गढ़ू में इस टाइम अनाज मंडी में कार्यक्रम है। तो क्या तैयारी रखी है जी? सर ऐसे दर्द सरदार दस्ते, हाँ जी सरदार दस्ते सिंह संधू ने भाई साहब से प्रोग्राम लिया था कि हमारे गांव को जिला डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र को हमारे को टाइम दिया जाए कि जो जिम्मेदार हैं कि चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकते, तो आप इनके विचार इनमें रखो, आके इनको एक अगवा करो कि वहां पहुंचने के लिए। तो रूपरेखा बना रखी है, किस तरह चलेंगे आगे आगे, जिस तरह क्या रूपरेखा है आगे? जी साहब जी आएंगे तो उनके स्वागत के लिए घोड़े तैयार कर रखे हैं, आगे लगा के उनका स्वागत करेंगे जी। एक चीज में तुम्हारा स्वाद सा आएगा, वो स्वाद नु आ गया है, बोला भजन लाल बंसी लाल देवी लाल मनोहर लाल इव गुरलाल है, गुरलाल गुरलाल आगे पाएगा गुरलाल, ये मनोहर लाल किसा है? जमी नकम्मा जी, एक दो नकम्मा हुआ, ये महान कम्मा है, एक दो नकम्मा होता है जी, ये महान कम्मा है। तो अच्छा घोड़े आगे चलेंगे और कितनी देर में पहुंच रहे हैं राकेश टिकैत? ये सर 20 मिनट के लगभग, 15-20 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ ऊपर ध्वज लगाए गए हैं घोड़े के ऊपर भारतीय किसान यूनियन के, इसके लिए कोई आदेश हुए या सब मतलब आप जोश जोश में? नहीं नहीं सर, जोश है किसानों में बहुत, इन बच्चों में बहुत ज्यादा जोश है, जोश के लिए ही और जागृत करने के लिए लगाए गए हैं सर। चलो मैंने बताया था किसान आंदोलन में बहुत सारी यूनिकनेस हैं। चार जो बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, ये चार धाम बन गए और ये किसान तीर्थ बन गया, किसान आंदोलन किसान धाम बन गया। तो फिलहाल स्वागत के लिए तैयारी करी गई है, आप देख सको घोड़े की फौज है। राकेश टिकैत जय मतलब जुकराड़ पहुँचेंगे गुंगथला गढ़ू की अनाज मंडी में, तो ये घोड़े आगे नजर आऊँगे चलते हुए। और राकेश टिकैत का जो काफिला है वो 15 से 20 मिनट में पहुँचने वाला है, और उसके बाद मुख्य मंच मेरे सज्जा हाथ का नहीं यानी 16 हाथ का अंत है, आवाज़ आने लग रही है मुख्य मंच पर दें, तो ये घोड़े की फौज आगे जाओगी। फिर रह गया मेरा ध्यान जावा है ये घोड़े के ऊपर जो भारतीय किसान यूनियन का झंडा है आप देख रहे हो, थोड़ा खोलियो इसने झंडा ने, खोल दो
इधर से, हाँ इस साइड था, इस साइड था भाई, इस साइड था, हाँ इस साइड था, ना ना उस, हाँ ये या घोड़ा का ऊपर है यू, आपने वो सीन याद है, थोड़ा नीचे कर दे संजीव, हाँ ये सीन याद करो, याद करो जी ब्रह्मांड देख्यार्थे, और उसमें आसो में एक यज का एक प्रकरण चल रहा है, उसमें राम जी ने जो घोड़ा छोड़ दिया उसके ऊपर एक धवा जो है नुआ पताका, उसके गला में एक फटका हुआ है, भाई हिम्मत है तो टंगेड़ के देख लो महाराणा घोड़ा ने, तो फिलहाल भारतीय किसान यूनियन को है, आम भी आसो में एक यज करा, हाँ और महाराणा घोड़ा के ऊपर भारतीय किसान यूनियन का झंडा है और टंगेड़ का देख लो, तो हिम्मत है किसी में टंगेड़ की इस घोड़े ने भाई, ना जी ना किसी को नहीं है जी, वो टंगेड़ का है नहीं निकल रोक सका है भाई, टंगेड़ रोकने की बात को नहीं है करमू, इसमें बात एक और है, प्रधानमंत्री होगी यादाश्त कमजोर होगी, कल उड़ान आ जा, ना ना तू संजीव उड़ान रहो, यहाँ आ जाओ संजीव, तू इधर हो भाई इधर हो, हाँ जी कल उसने संसद में एक बात कही है, कई आंदोलन के अंदर आंदोलन जीवी आ गए भाई, हम तो आंदोलन जीवी शुरू थे, उसकी यादाश्त कमजोर कुकर होगी, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की बात बार बार वो जिक्र करते, संजीव उड़ान लेके नो दिखा दे, हाँ अडवाणी जी जिसका पता पता पानी का डोलू लेकर घूमना करते ना, वो आंदोलनों के नाम से ही उठा था, हम आंदोलन जीवी हाँ, आंदोलन भोगी को नहीं और आंदोलन रोगी को नहीं, उसने आंदोलन करे उसका भोग ले रहा है, उसकी फौज पलटन है जो वो आंदोलन रोगी है सारी, जितनी बीजेपी की मंडली है, ये एक बैरूपिया का हजूम आ गया भाई देश में, ये राजनेता नहीं है, ये कारपोरेट घराने का एजेंट है, ये तो बैरूपिया बन के आए, झूठ बोल रहे सत्ता हथियाली, अब देश को परेशान कर रहे हैं, मतलब क्या भाई, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं, जहाँ आपने सुनी है तो एक बात और कही है, जो कर ब्याह में बुआ रूस जाग रहा नहीं भाई, मेरी पूछ को नहीं हो रही, और फूफे रूस से तो और भी तकड़ा काम हो जाए, ये मन जाल आ गए हैं, किसान तो फूफे हो रहे हैं, ये भी हैं रूस रहे हैं, तो नुका जो कर बुआ रूस जाओ काम कर रहे हैं, विपक्ष आने तक आरोप नहीं लगाया विपक्ष पर, उसने विपक्ष को इशारे में समझाया थोड़ी सी आंख मारे, नहीं एक हो लियो जे यो किसान एक होने लग रहा है, तारीफ नहीं कर देगा यो, नहीं आप एक लगाए तो ठीक है, हमारी लड़ाई सरकार कोई पार्टी हो चाहे कोई मतलब ना, कांग्रेस दे नहीं किसी तरी, ये जनता बनाम सरकार तीन कानूनों के खिलाफ है, हमारी ये भी नहीं कहेगा हमने सरकार से ही कोई लड़, हमारी तीन कानूनों से है भाई, सुनाई कर वासिले काले कानून, क्या भाई का नाम जोगिंदर सिंह कैलर भाई, डिस्ट्रिक्ट कैलर माला, जोगिंदर ने एक बहुत गहरी बात कही है, इस बात ने सुन कह है मैं कह सकू हूँ, जो एक गहरी बात है, पूरा आंदोलन की खूब भी कह सको इन्हें, एक के लाइन मैंने छोड़ दे दिया, या किसी पार्टी का उसका मामला नहीं है, जो किसानी ने बचाण का मामला है, नसल और फसल बचाण का मामला है, ये किसी जात का मामला को नहीं, यू किसी धर्म का मामला को नहीं, यू किसानी ने बचाण का मामला, और बहुत बड़ी बात कही भाई, जितनी भी पार्टी है उन सारी पार्टियां खिलाफ लड़ाई है, छाती ठोक के और डंका की चोट पे, जब किसानी के लिए पंगा लोगे तो चाहे हम एक हो जाए, जो कर इशारा करे भाई ने जोगिंद्र भाई का बता, बोला यू वो इशारा है, बोला चोर चोर मसेरे भाई, क्यों रहा जोगिंद्र खड़ा कल वाला, चलो फिलहाल थोड़ी देर में राकेश टिकैत के साथ मैं लाइव जुड़ूंगा तरगिल, और बतावांगे राकेश टिकैत के दिल में मन में दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर उत्तर प्रदेश का मानस की जो गतिविधियां तेज हो रही हैं उसका पीछे लॉजिक के है, कुछ लोग कहने भी लग रहे हैं भाई दया कुछ तो गड़बड़ है अगर नहीं है राकेश टिकैत पर मैं पूछूंगा, फिलहाल एक बात साफ है भाई, किसान आर पार के मूड में है, जब सरकार ने सरिये गाडे कील गाडी हाईवे पे, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने फूल बोए हैं, उन्होंने कहा ये कांटे लाऊंगे हम फूल लावांगे, तो बहुत बड़ा अंतर है, सरकार की एक किस्म का फजीती है, और आंदोलन जीवी जो इनको बताया है ये इनको हम आंदोलन जीवी को नहीं, हम इस टाइम बुद्धिजीवी हो रहे हैं, जैत है सरकार का गुरूर खिंडा खिंडा फिर है, तो और कुछ कहना है जी आपने, अगला सवाल 1 करोड़ के लिए हॉट सीट पर आपका स्वागत, करमू भाई आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, गुम थड़ा गडू की धरती के ऊपर आप आए, और कुलविंदर सिंह है जी गांव ककराली तहसील पेवा से हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कल राज्यसभा का जो उसमें नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं वो बोले, और उन्होंने क्या देखो कैसा ढोंग रचा, मेरे को दुख भी हुआ और हंसी भी आई, दुख तो ही हुआ कि कल और आज का जो दिन था उनका, वहाँ 3 राज्यसभा के सदस्य है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अच्छा 3 का कार्यकाल पूरा हो गया, तीनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनमें उसका एक मित्र बोल रहा है जिसको गुलाम नबी आजाद कुछ नाम है ऐसा, मैं मतलब पता नहीं मेरे को, विपक्ष का, हाँ विपक्ष का, उसको
बोल रहा कि ये मेरा मित्र है, हम इकट्ठे राजनीति में बहुत सी भेदभाव हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी मारा था, पानी मारा, और बड़ी हैरानी की बात है वो अभी मरा तो नहीं था, वो जिंदा है, वो सिर्फ उसका कार्यकाल पूरा हुआ, उसके लिए वो भावुक हो गए, बड़ी शर्म की बात है। हमारे इतना झूठा ना तो जिंदगी में देखा ना देखने में लगा, वो कह राम राम इतना झूठा आदमी, माने ना तो देखा और ना देखने मिला, मैं छुरी मुंह में राम राम, मुंह में राम राम, चलो संबित पात्रा पता क्या है, ग्रेटर नगर ट्विटर पर नुका 1984 में जब कश्मीरी पंडित ने बचाया था उस टाइम ना ट्विटर निकल आप, अरे भले मानस ट्विटर आया तो 2006 में है तो 1984 की बात करने लग रही है, एक चीज तय है किसान जागरूक है, और एक बात और होगी है किसान इतना जागरूक है जो किसान कैर सरकार के बीच में ओलंपिक आई मैराथन चल रही है, किसान उस मैराथन में इतना अग्गा है, इतना अग्गा है, एक मिनट, वो इतना अग्गा है जो रुक के जो सांस भी तारा गाने तो भी सरकार घनी पछे है। फिलहाल जो असम में वाला जो प्रकरण है इस घोड़ा ने देख के याद आवे है, और ये देखो भारतीय किसान यूनियन का ध्वज है और चुनौती दे रहे हैं किसान, थोड़ी देर में राकेश टिकैत पहुंचेंगे, हम पूछेंगे जलेबी वर्गे सीधे और करेला वर्गे मीठे सवाल, फिलहाल मैं इनका जोश तो देख लूं, जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। चलो किसाना का जोश वाला टाइगर इबे जिंदा है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू देसी देख बिना ब्रेक, ठोको शेर शेर का दुम्मा डे दो शेर का पकड़ पैर दो।